एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीन्स बाय हिमांगी। मैं हिमांगी अग्रवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। एंड मैं आज आपके साथ में कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन की का हद तक की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में मदद करता है। कुछ ऐसी चीज़ें कम पैसे में इसको यूज़ कर पाएंगे और ये आपकी स्किन की काफ़ी हद तक की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। तो आज का कुछ ऐसा ही है हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्ले मास्क के बारे में। क्ले मास्क क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्ले मास्क कितने तरह के होते हैं ये भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एंड क्ले मास्क लगाने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं ये भी हम आज जानेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, क्ले मास्क लगाने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है ना तो उससे हमारी स्किन की काफ़ी हद तक की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो क्लोजन बहुत अच्छा होता है। क्लोजन के साथ साथ में हमारे फेस की गंदगी ख़त्म करने में मदद करता है। पोर्स को अंदर से जाके क्लीन करता है क्ले मास्क। तो क्ले मास्क बनाने तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको क्ले मास्क 4 से 5 तरह के क्ले मास्क मिल जाते हैं, जैसे कि एक पिंक क्ले मास्क होता है, एक ग्रीन क्ले मास्क होता है, एक ब्लैक क्ले मास्क होता है, एंड एक होता है मुल्तानी मिट्टी, वो भी क्ले मास्क होता है। मुल्तानी मिट्टी को भी क्ले मास्क बोलते हैं। एक चिकनी मिट्टी का क्ले मास्क होता है। तो ये 4-5 तरह के क्ले मास्क होते हैं। इनके पाउडर आपको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे आराम से मिल जाते हैं। तो गाइस इनको बनाना कैसे है और कौन कौन से स्किन टाइप के लिए कैसे बनाना है आज मैं आपके साथ में यही यहाँ पर शेयर करूंगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप किस तरह का फेस मास्क बनाएं, और आपकी ड्राई स्किन है तो आप कैसे बनाएं, अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स वगैरह है तो इस मास्क को आप कैसे यूज करें, तो आज मैं इसके साथ में आपके साथ में ये शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं मास्क के क्या क्या बेनिफिट है। मैं यहाँ पर आपके साथ में एक वीडियो भी शेयर करूंगी जो मैंने मास्क बनाया अपने घर पर, तो वो मास्क मैंने कैसे बनाया और उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं कॉलिन के लिए मास्क। कॉलिन के लिए का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का मास्क बनाने वाले हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। इसके इस्तेमाल से हमारे ब्लैक हेड्स एंड एक्ने की समस्या खत्म हो जाती है। क्ले मास्क कोई सा भी हो, इससे आपके ब्लैक हेड्स एंड स्किन की वाइटनिंग वगैरह काफ़ी हद तक मदद करता है। जो सन टैन वगैरह हो जाता है इसको रिमूव करने में मदद करता है। तो ये आज हम बना रहे हैं कॉलिन के लिए मास्क। ये आपके स्किन को रोम छिद्रों को अच्छे से क्लीन करेगा, अंदर से उसकी गंदगी निकालता है, बैक्टीरिया मुक्त होता है, बैक्टीरिया ख़त्म करता है। हमारी स्किन का जितना भी होता है एक्स्ट्रा बैक्टीरिया उसको ख़त्म करने के बाद में आपके एक्ने की समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो उसके अच्छे रिजल्ट पाने के लिए वीक में 2 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको नॉर्मली मैंने क्ले मास्क लिया, इसमें गुलाब जल मिलाया, अच्छे से पैक बना लिया, इसको फेस पर अप्लाई कर लेना है। 20 मिनट के बाद फेस को वॉश कर देना है। तो नॉर्मली ये क्ले मास्क लगाने से क्या होता है ना, हमारे चेहरे पर जितनी भी गंदगी जमा होती है ना, धूल मट्टी प्रदूषण की जितनी भी गंदगी आती है ना, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑयल जमा हो जाता है और गंदगी जमा हो जाती है, उसको अच्छे से रिमूव करता है और जितना एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना उसको निकाल देता है और दोबारा हमें ऑयल कम बनाता है हमारी स्किन पे। तो बहुत ही अच्छा रहता है क्ले मास्क। तो आप कोई सा भी क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं, आप क्रीम कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी यूज़ कीजिए, नॉर्मली कुछ मत कीजिए। सो नॉर्मली मुल्तानी मिट्टी यूज़ कीजिए, बहुत ही बेनिफिट है ऑयली स्किन के वालों के लिए। तो क्ले मास्क बहुत ही बरदानी चीज़ होता है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको नोज़ और लिप्स के पास में मोटी लेयर लगानी है, क्योंकि हमारा ऑयल वहीं से निकलता है। तो नोज़ और लिप्स के पास मोटी लेयर लगाने से क्या होगा ना, तो दोबारा ऑयल कम बनेगा और बहुत जल्दी से ऑयल को सोख लेता है। एंड आपकी रूखी स्किन है तो आप इसमें एसेंशियल ऑयल्स मिला सकते हैं, साथ में आप इसमें हनी मिला सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली गुलाब जल और नींबू भी आप मिला सकते हैं। अगर नींबू मिलाना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए, जैसा आपका मन है मिला सकते हैं। नॉर्मली सिंपल तरीके से आपको ये बनाना है एंड यूज़ करना है। ये आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स एंड एक्ने की समस्या बिल्कुल ख़त्म कर देता है। फेस की गंदगी जितनी होती है रोम छिद्र को अच्छे से क्लीन कर देता है। तो इस मास्क को ज़रूर यूज़ कीजिए। एंड तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, साथ में अगर नए फ्रेंड्स फैमिली में हैं जिससे कि उसका बेनिफिट उठा सकें। और ये मास्क में बेस्ट है, आप इसको जरूर यूज़ कीजिए। कोई भी क्ले मास्क यूज़ कीजिए, बस कीजिए, वीक में 2 बार यूज़ कीजिए, आपकी स्किन को बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय वीडियो।